का शुक्र होता है, इसलिए पत्नी से विवाद और पत्नी से नुकसान दोनों स्थिति हो रही है। और स्त्री जाति के ऊपर नुकसान होना या उसके द्वारा नुकसान होना, तो इस स्त्रियों से सावधान रहना है। इस प्रकार से ये आपका शुक्रदेव बरसा रहे हैं और सूर्य देव आपकी राशि पर ही नीच राशि के चल रहे हैं, तो आपका मन मलिन रहेगा। मन मलिन होने के साथ साथ आपके उत्साह वर्धन में कमी रहेगी। और गवर्नमेंट से संबंधित अगर कोई कार्य कर रहे हैं उनमें विपरीत स्थिति निर्मित दिखेगी, इसलिए उससे सावधान रहना है। और गुरुदेव आपकी राशि तुला से तीसरे होने के कारण आपके पत्नी आपका उपदेश देने का प्रयास करेंगी, आप विवाद करेंगी, तो उससे उनका उपदेश मान कर लेना चाहिए। भाग्य वृद्धि में अचानक विकास होगा, धार्मिक कार्य होंगे, धर्म कर्म में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी और साथ साथ में बड़े भाई बहनों का सुख व सहयोग भरपूर मिलेगा। लाभकारी योजनाएं बनेंगी और लाभ का प्रयोग भी कर सकेंगे। और शनिदेव आपकी राशि से चतुर्थे हैं, चतुर्थे कलहागमा, चौथे शनि होने से रोग शत्रुओं का तो विनाश हो रहा है, रोग आपके टिक नहीं पाएंगे, शत्रु आपके टिक नहीं पाएंगे, लेकिन साथ साथ में आपके पिता का स्वास्थ्य भी बिगाड़ रहे हैं और आपके कर्म क्षेत्र को भी बिगाड़ रहे हैं। शुक्र इस प्रकार से जो तुला राशि वालों के लिए मैंने दिखाया, और आपका स्वास्थ्य भी बिगाड़ रहे हैं और आपके स्वभाव को भी बिगाड़ रहे हैं, व्यक्तित्व को बिगाड़ रहे हैं। तो शनिदेव जैसे चारों तरफ डेरा डाले हैं, और आपके जो राहु देव आपकी तुला राशि से अष्टम है, अष्टम राहु अचानक कोई दुर्घटना पैदा कर सकते हैं, अचानक कोई हानि पैदा कर सकते हैं, क्योंकि राहु जो भी कार्य करता है अच्छा या बुरा वो अचानक करता है, बिना पूर्व सूचना के करता है और कंफ्यूज बनाता है, जो कभी नहीं हुए ऐसा कार्य कराता है। इस प्रकार से उससे सावधान रहना है। आपको राहु की पूजन करते रहना चाहिए, राहु की उपासना करना चाहिए, रुद्राभिषेक भगवान शंकर का अभिषेक करते रहना चाहिए, जिससे राहु शांत रहे। साथ साथ में आपके शनिदेव जो है चतुर्थे मैंने दर्शाया, चंद्रदेव क्या कर रहे हैं, चंद्रदेव आपकी राशि तुला है और तुला राशि से जो चंद्रदेव है वो इस समय चंद्रदेव जब जाएंगे तो अश्लेषा नक्षत्र पर रहेंगे। अश्लेषा कर्क राशि का है, तो कर्क राशि पर होने से तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेघ वृक और मिथुन कर्क, यानी दसवें चंद्रमा नौवें चंद्रमा, नौवें आपके चंद्रमा होने से आठ तारीख को ठीक रहेंगे, भाग्य वृद्धि करेंगे, अचानक भाग्य वृद्धि का सहयोग है। और दसवें कर्म ईप्सितम और 9 और 10 तारीख को चंद्रमा कर्म स्थान पर बहुत उत्तम फल देने वाले होंगे, कर्म स्थिति अच्छी बनेगी। और 11 और 12 तारीख को यही चंद्रमा आपके एकादशे सर्वलाभम सब प्रकार से लाभप्रद समाचार देने वाले होंगे। और 13 तारीख और 14 तारीख को चंद्रमा बारहवें होने से अपव्यय हानिकारक होंगे, बहुत दिवाली पे खर्च करने का समय आ रहा है तुला राशि वालों के लिए। इस प्रकार से पूरा सप्ताह मंगलमय बीते, दीपावली मंगलमय हो। हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे, हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटर कास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7828912229।
धन्यवाद।